परमात्मा के चरणारविंद में प्रेम से प्रणाम करते हुए, त्र्यंबकेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए, माँ गोदावरी के पावन चरणों में नमन करते हुए, संत समाज को प्रणाम करते हुए, सष्टम दिवस की मंगलमयी मधुर गाथा को हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी भगवत भक्त बड़े ही प्रेम के साथ भगवान की परम मंगलमयी लीला कथा को श्रवण करना, और जब जब भी कीर्तन किया जाए तो आप सभी भगवत भक्त दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए, नाचते हुए, प्रेम से, भाव से प्रभु के नाम का कीर्तन करें। आप सभी श्रद्धालु भगवत भक्तों ने कल पांचवें दिवस की कथा के अंदर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन श्रवण किया था, कैसे भगवान ने रास लीला की, कैसे भगवान ने माखन चोरी लीला की, इन कथाओं का कल आप सभी ने वर्णन सुना था। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे राजा कंस को मारा, कैसे उद्धार किया, इस पावन कथा का कल आप सभी भक्तों ने अमृतपान किया था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा कंस को मारा तो सही, लेकिन मार करके भगवान ने उसका उद्धार भी किया था। कंस तो भगवान का शत्रु था, फिर भगवान ने उसका उद्धार क्यों किया? क्योंकि कंस शत्रु के रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता था, बस यही सोचता रहता था, देवकी का आठवां बालक, देवकी का आठवां पुत्र। उसके मन में भले शत्रु के रूप से भगवान कृष्ण का वास था, लेकिन वास भगवान का था, इसलिए उसका उद्धार हो गया। भगवान का कहना है कि तू चाहे जिस भाव से मुझे भजे, लेकिन भजता रहे। भगवान जब अपने दुश्मनों का भी उद्धार कर देते हैं, अपने शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं, तो फिर प्रेम से भजन कीर्तन करने वाले को भगवान मुक्ति क्यों नहीं देंगे? प्रभु उनका उद्धार क्यों नहीं करेंगे? इसलिए भगवान के साथ में संबंध स्थापित करो, क्योंकि संबंध ही प्रेम को उत्पन्न करता है। यदि आप लोग बीमार हो जाओगे तो आपका खास जान पहचान वाला रिश्तेदार ही आपसे मिलने के लिए आएगा, हर एक व्यक्ति आपसे मिलने नहीं आएगा, क्योंकि संबंध ही प्रेम को उत्पन्न करता है। इसलिए भगवान के साथ में संबंध जोड़ो। परमात्मा का जो स्वरूप आपको अच्छा लगे, उस स्वरूप को अपने इष्ट देव के रूप में अपना करके उनका ध्यान करो। भगवान श्री कृष्ण ने राजा कंस का उद्धार किया है, फिर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाने के लिए कारागृह में पधारे, बंधन किया, प्रणाम किया, और अपने माता पिता को भगवान ने कारागृह से मुक्त कर दिया। आज 11 वर्ष में पहली बार अपने पुत्र कन्हैया को देखा तो वसुदेव और देवकी का हृदय भर आया। बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनका गला भर आया और वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करके कहने लगे कि माताजी और पिताजी, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह मानव का शरीर आपने ही मुझे प्रदान किया है, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, आपको छोड़ करके अब मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का वहां पर बहुत स्वागत सम्मान किया गया। लोगों ने तो उनसे आग्रह किया कि आप राजा बन जाओ, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। प्रभु सभी लोगों से कहने लगे कि मैंने राज्य के लोभ से नहीं, अपितु लोगों की पीड़ा, उनका दुख दूर करने के लिए कंस को मारा है। मैं तो आप सभी लोगों का सेवक हूँ, राजा कंस के पिता उग्रसेन जी को ही बनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण को किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं थी, राज्य भी छोड़ दिया। बहुत स्वागत सम्मान भगवान का हुआ। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि उनके पुत्र का सभी लोग इतनी धूमधाम से स्वागत सत्कार जो कर रहे हैं। अब बाबा नंद गोकुल गांव लौटने की तैयारियां करने लगे, जाने की तैयारी करने लगे।
गर्गाचार्य जी उनसे मिलने के लिए आए और आकर के गर्गाचार्य जी ने रहस्य की बात बता दी। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि बाबा नंद, अब आपको अकेले ही गोकुल में जाना पड़ेगा, ये कन्हैया अब आपके साथ में नहीं आएगा क्योंकि कन्हैया आपका पुत्र नहीं है। माँ यशोदा ने तो एक कन्या को जन्म दिया था, यह कन्हैया वसुदेव जी का बालक है, तो अब यह यहीं पर रहेगा। अब बाबा नंद व्याकुल हो गए, अकेले कैसे लौटे। उसी समय कृष्ण बलराम नंद जी से मिलने आए और प्रणाम करके कहने लगे कि बाबा, जब हम कंस के मल्लों के साथ में युद्ध कर रहे थे, कुश्ती कर रहे थे, तब हमें हनुमान जी महाराज का दर्शन भी हुआ था। नंद बाबा को याद आ गया कि हाँ, कुश्ती करते समय मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि आप मेरे पुत्रों की रक्षा करना, तो उन्होंने आकर के मेरे पुत्रों की रक्षा की है। यदि ऐसा नहीं होता तो भला मेरे छोटे छोटे बालक उन मल्लों को कैसे पछाड़ सकते थे, उनको कैसे मार सकते थे। बाबा नंद हनुमान जी को प्रणाम करके धन्यवाद देते हैं, आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री मारुति नंदन भगवान की। आइए दो मिनट के लिए श्री हनुमान जी महाराज का सब स्मरण करते हैं, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए। तेरे तन पर छोला लाल है तू माँ अंजनी का लाल है, तेरे तन पर छोला लाल है तू माँ अंजनी का लाल है, तेरे तन पर छोला लाल है तू माँ अंजनी का लाल है, तेरे तन पर छोला लाल है तू माँ अंजनी का लाल है। रूप सुहाना सुहा
श्री मारुति नंदन भगवान की जय। बाबा नंद को बात याद आ गई और नंद जी बार बार श्री हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। बाबा नंद जब लौटने की तैयारी करने लगे बड़े व्याकुल हो रहे थे, अपने पुत्रों के बिना उनकी जाने की इच्छा हो नहीं रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम नंद बाबा को प्रणाम करके कहते हैं, कृष्ण भगवान ने वंदन किया और कहा कि बाबा भले संसार के लोग कुछ भी कह दे, लेकिन मैं तो पूरे संसार से यही कहूँगा कि मैं नंद और यशोदा का ही बेटा हूँ। बाबा आपने मुझसे बहुत स्नेह किया, पुत्रवत प्रेम किया है। अपने पुत्र से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन जो दूसरों की संतान को अपना पुत्र समझ करके, अपनी संतान समझ करके प्रेम करे, उस व्यक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता है, वह बड़े आश्चर्य की बात है। बाबा नंद ने कन्हैया से कितना प्रेम किया, जो प्रेम बाबा नंद ने किया वह वसुदेव जी महाराज भी नहीं कर पाए। बाबा नंद से कृष्ण जी बोले कि मैं आपका ही बेटा हूं, लेकिन मुझे मथुरा नगरी में कुछ दिन तक तो रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कंस को मार दिया। अब कंस को मारा है तो कंस के जो रिश्तेदार है वे मेरे दुश्मन बन गए। मैं आपके साथ गोकुल आऊंगा, वे राजागण वहां आएंगे, मेरे साथ युद्ध करेंगे और मेरे साथ साथ आप सभी को भी परेशान करेंगे। तो कुछ समय तक यहाँ मथुरा नगरी में रहा करके उन राजाओं को हरा करके मैं आपके पास चलाऊंगा। आप घर पर लौटो, मेरी माँ यशोदा को भी आप यही समझाना, मेरी गायों की आप भली भांति सेवा करना, रक्षा करना, मैया से कहना कि मेरे वियोग में वह बिल्कुल ना रोए। इस प्रकार से समझा करके बाबा नंद को उन्होंने जाने के लिए कहा। बाबा नंद ने अपने पुत्र को बहुत आशीर्वाद दिए और व्याकुल होकर के अकेले ही नंद जी चले गए। भगवान श्री कृष्ण अब मथुरा नगरी से गुरु की सेवा करने के लिए जाते हैं। सदगुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करनी पड़ी थी, भगवान को भी करनी पड़ी थी। भगवान राम ने भी गुरु की सेवा की है, कृष्ण भगवान ने भी गुरु की सेवा की। तो गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उज्जैन क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के किनारे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए गए। जब तक किसी सुपात्र संत की हम सेवा नहीं करते हैं, तब तक उसके अंतर के आशीर्वाद हमको प्राप्त नहीं होते हैं। और मनुष्य के लिए ऐसी संत सेवा करना, ऐसी गुरु सेवा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु की सेवा करके जो विद्या प्राप्त की जाती है केवल वही विद्या सफल होती है। भगवान श्री कृष्ण गुरु की बहुत सेवा करते थे, जंगल के अंदर जा करके लकड़ियां काट करके लाते थे, पानी भरते थे। प्राचीन समय के जो गुरु होते थे वे बहुत विरक्त होते थे, इसलिए उनके शिष्यों को उन्हीं के जैसा विरक्त बनना पड़ता था। गुरु संयमी होना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु विरक्त होगा, संयमी होगा, तो निश्चित रूप से शिष्य भी संयमी बन जाएगा। क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं वह न केवल बोल करके लेकिन मौन रह करके भी उपदेश देते हैं। उनका जो आचरण होता है वह ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता है। शिष्य जो देखता है वही तो करता है। आजकल तो जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वे ही विलासी होते हैं, उनके शिष्य यदि विलासी बन जाए तो आश्चर्य की क्या बात है। गुरु जैसा होगा शिष्य भी वैसा ही बनेगा। जीवन में गुरु होने चाहिए, गुरु की सेवा करके जो विद्या हम प्राप्त करते हैं बस वही विद्या सार्थक होती है। अपने स्वयं के प्रयास से प्राप्त की हुई विद्या धन और प्रतिष्ठा तो दिला सकती है, लेकिन मन की शांति नहीं। विद्या के साथ साथ विनय और विवेक भी होना चाहिए, क्योंकि यदि विद्या के साथ विनय और विवेक ना हो तो विद्या व्यक्ति को अभिमानी बना देती है। व्यक्ति यदि अभिमानी बन जाए तो फिर वह विद्या प्राप्त करने से उसको लाभ ही क्या हो रहा है, वह विद्या किस काम की जो अंत समय में आपके लिए बेकार सिद्ध हो जाए, आपके काम ना आ सके।
एक दृष्टांत है। एक नाव के अंदर बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, नाम से भी लंबी लंबी उनकी डिग्रियां थी। अब वे जब नाव में बैठ करके जा रहे थे तो बातों ही बातों में उन्होंने नाव चलाने वाले नाविक से, केवट से पूछा कि भाई तू कहां तक पढ़ा लिखा है। तो वह केवट कहने लगा कि महाराज कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई, मैं तो बस यह नाव चलाना जानता हूं, इसके सिवाय और मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो विद्वान पंडित लोग उस केवट का अपमान करते हुए कहने लगे कि अरे यदि तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू अनपढ़ है, तो समझ कि तेरी एक चौथाई जिंदगी पानी के अंदर गई। उस केवट ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद वे विद्वान पंडित लोग फिर पूछने लगे कि क्या तुझे इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है। केवट बोला कि महाराज मैं इतिहास भी नहीं जानता हूं। विद्वान पंडित लोग कहने लगे कि तब तो तेरी आधी जिंदगी पानी के अंदर गई। वे आपस में ऐसी बात ही कर रहे थे, उसी समय अचानक से ही बहुत जोर से तूफान आ गया, नदी में बाढ़ आ गई, नाव के अंदर पानी भरने लगा, उनकी वह नैया डोलने लगी। अब विद्वान पंडित लोग सब घबरा गए। तो वह नाव चलाने वाला नाविक उन विद्वानों से पूछने लगा, कहने लगा कि महाराज ऐसा लगता है कि अब हमारी नाव पानी के अंदर डूब जाएगी, तो क्या आप लोग तैरना जानते हो। सभी विद्वान पंडित लोग एक स्वर में कहने लगे कि नहीं नहीं हमें तो तैरना याद ही नहीं है। केवट कहने लगा कि महाराज यदि आप तैरना नहीं जानते हो तो समझो कि आपकी पूरी जिंदगी पानी के अंदर गई। और हुआ भी ऐसा ही, नाव डूब गई, विद्वान पंडित लोग तो डूब करके मर गए, लेकिन वह केवट तैरता तैरता बाहर निकल आया। अब नाव चलाने वाले नाविक को पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। कहने का अर्थ यह है कि यह जो संसार है यही एक नदी है। व्यक्ति इसके अंदर आकर के यदि सच्ची विद्या को छोड़ दे, भजन रूपी विद्या सच्ची विद्या होती है, उस विद्या को छोड़ करके सांसारिक विद्या को ग्रहण करके यदि उसका घमंड करे तो वह भी संसार सरोवर में डूब जाता है। सच्ची विद्या भजन रूपी विद्या होती है, लेकिन आज इस कली काल में आध्यात्मिक विद्या का तो नाम निशान ही मिटा दिया गया है। आत्मा परमात्मा का संबंध, जीवन का सच्चा लक्ष्य, ये कुछ भी समझाया और पढ़ाया नहीं जाता है। ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है लेकिन विद्या घटती जा रही है, क्योंकि ज्ञान का उपयोग लोग छल कपट के लिए करते हैं, सच्ची विद्या बची नहीं है, इसीलिए तो लोग दुख को प्राप्त करते हैं। जो विद्या हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर